गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को कारक पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं कारक का क्या अर्थ होता है। कारक अर्थात करने वाला। कारक का क्या अर्थ होता है? करने वाला। कारक क्रिया को पूर्ण रूप से योगदान देते हैं। मतलब यह है कि कारक को ही क्रिया क्या करती है, संपादित करती है। कारक द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। अतः सरल शब्द में कारक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारकी संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, माँ ने खाना बनाया। ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं, तो ने आपका क्या हो जाएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह है। कपड़े अलमारी में रख दो। तो यहाँ पर मे शब्द आपका क्या है, मे शब्द कारक चिन्ह है। गिलहरी पेड़ से उतर गई। से शब्द क्या है, कारक चिन्ह है। पिताजी आदित्य के लिए नई साइकिल लाए, के लिए आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कारक द्वारा क्या है, शब्दों का संबंध जुड़ रहा है। इनके बिना वाक्य के पूर्ण होने अथवा अर्थवान होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कारक के हमारे 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पय पर संबोधन हे अरे ओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने है। कर्म का चिन्ह क्या है, को है। करण का चिन्ह क्या है, से के द्वारा है। और संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए अपादान से अलग अलगाव की भावना होगी इसमें। संबंध में काकी के रारी रे गागी के, और अधिकरण में मे पय पर आपको देखने को मिलेगा, और संबोधन में क्या होता है, हे अरे ओ। तो आगे देखते हैं, कर्ता के बारे में पहले हम जानेंगे। कर्ता, कर्ता क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। विभक्ति या परसर्ग ने, जैसे यहाँ पर दिया है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि राम, राम ने रावण को वाण से मारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि राम ने रावण को वाण से मारा। तो एक कर्ता क्या है हमारा, कर्ता ने है। कर्ता क्या है, ने से हमें पता चल रहा है कि राम क्या है, कर्ता है। रावण कर्ता ने कर्म को, रावण क्या है यहाँ पर, कर्म है। यहाँ कर्म का चिन्ह क्या लगा है, को लगा है। इसके बाद वाण से मारा, यानी कि किसके द्वारा मारा, वाण के द्वारा मारा। वाण इसमें क्या हो जाएगा आपका, करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, करण। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ देख लिए, कर्ता, कर्म और करण देख लिए। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि क्रिया के करने वाले का बोध होता है। यहाँ पर मारा, मारा तो किसका बोध हो रहा है, क्रिया करने वाले का। तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम कौन सी क्रिया कर रहा है, मारने की क्रिया कर रहा है। तो राम यहाँ पर क्या है, एक वचन है। राम क्या है, एक वचन है। लिंग क्या है, पुलिंग है। लिंग क्या है, पुलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन पुलिंग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक वचन। क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन और पुलिंग होगी।
आइए दूसरा देखते हैं। क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है, लेकिन कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है और इसके बिना भी हो सकता है। आगे है, परसर्ग सहित। परसर्ग सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक और भूत कला में, यहाँ पर काल होगा, भूतकाल में होती हैं। इसमें ने परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग, फिर से एक बार देख लेते हैं, वाक्य में क्रिया सकर्मक और भूतकाल में होती है। इसमें क्या होता है, ने परसर्ग का प्रयोग होता है। ने यानी कि विभक्ति चिन्ह भी आप बोल सकते हो, परसर्ग नहीं समझ में आता तो विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने क्या किया, पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर आपको क्रिया से क्या पता चल रहा है कि यह क्रिया भूतकाल की क्रिया आपको पता चल रही है कि शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। आगे दूसरा देखते हैं सेंटेंस, माली ने पौधों को सींचा। जहाँ पर आपको ने दिखाई दे तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और भूतकाल में है। ठीक है, क्रिया क्या है, सकर्मक है और भूतकाल में है। तो माली ने पौधों को सींचा, माली ने क्या किया, पौधों को सींचा। आगे देखते हैं परसर्ग रहित। ये तो परसर्ग सहित था, अब परसर्ग रहित क्या है, वाक्य में क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल में होती है, वाक्य परसर्ग रहित होता है, इसके साथ क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है, यदि वर्तमान या भविष्य काल में हो तो वहाँ भी वाक्य परसर्ग रहित होता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे शिक्षक पाठ पढ़ाता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि परसर्ग रहित, जो चिन्ह से रहित, मतलब चिन्ह नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, माली पौधे सींचेगा भविष्य काल में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, वर्तमान काल आ रहा है, वर्तमान सींचेगा, अभी सींचा नहीं है, सींचेगा भविष्यकाल में हो तो वहाँ भी वाक्य परसर्ग रहित ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया सकर्मक तथा वर्तमान एवं भविष्यकाल में है तो में है, अतः ने परसर्ग का लोप हो गया है। जब क्रिया वर्तमान काल में हो और भविष्य काल में हो तो वहाँ पर क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। आगे है कर्म कारक, आगे क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है, इसका परसर्ग क्या होता है, इसका मतलब विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। उदाहरण, पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस ने किसको पीटा, चोर को पीटा, तो यहाँ पर आपका को, पुलिस ने, यहाँ पर पूछ रहा है कर्म, तो कर्म संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चोर को पीटा है ना, तो यहाँ पर पीटने पे पड़ रहा है, क्या किस पर पड़ रहा है, पीटने पे, तो अमन ने बच्चों को पढ़ाया, अमन ने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया। उपयुक्त वाक्य में चोर और बच्चों शब्द कर्म है, पीटा और पढ़ाया शब्द क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ने के कारण कर्म कारक है। यहाँ पर क्या है, क्रिया है, जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ने के कारण क्या है, कर्म कारक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पुलिस क्या है, करता है, पुलिस क्या है, यहाँ पर करता है, पुलिस क्या है, करता है। चोर को पीटा, पुलिस ने चोर को पीटा, चोर क्या है, इसमें कर्म है। ठीक है, चोर क्या है, कर्म है, पीटा क्या है, आपकी क्रिया है। वैसे इसमें भी अमन क्या है, आपका करता है, बच्चों को, बच्चों कर्म है,
और पढ़ाया क्या है, क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष में क्या दिया है। वाक्यों में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया पर क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जा सकता है, यदि उचित उत्तर मिले तो कर्म कारक होता है। आप इस पे इस वाक्य में कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है, तो जैसे हम एक सेंटेंस में बता रहे हैं आपको, जैसे पुलिस ने चोर को पीटा, तो पुलिस ने किसको पीटा, चोर को पीटा, है ना। पुलिस ने किसको पीटा, चोर को पीटा, तो इसमें कह रहा है कि अगर आपको वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया पर क्या लगाना पड़ता है, क्या और किसको लगाना पड़ता है, लगाने के बाद अगर प्रश्न किया जाता है तो यदि उत्तर मिले, इसमें उत्तर मिल रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, किसको पीटा, चोर को पीटा, अतः चोर शब्द कर्म है। चोर शब्द क्या है, कर्म है, मैंने आपको सेंटेंस में बता दिया। सेंटेंस से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, आगे है हमारा करण कारक। आगे क्या है, करण कारक। करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से तथा से के द्वारा होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा होता है। यहाँ पर जैसे रमा ने मक्खन से पराठा खाया, रमा ने किसके द्वारा पराठा खाया, मक्खन के द्वारा पराठा खाया। अमित बस द्वारा स्कूल गया, अमित किसके द्वारा स्कूल गया, बस के द्वारा स्कूल गया। तो उपयुक्त वाक्य में खाने का साधन क्या है, मक्खन, तथा जाने का साधन क्या है, बस। ये शब्द करण कारक होते हैं। ये शब्द कैसे होते हैं, करण कारक होते हैं। विशेष में हम देखेंगे करण कारण की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक कहलाता है। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे सेंटेंस में हम बता दें तो सेंटेंस भी आप पहचान सकते हैं। जैसे अमित बस द्वारा स्कूल गया, तो अमित किसके द्वारा स्कूल गया, तो बस के द्वारा स्कूल गया। यहाँ पर अगर से के द्वारा लगा रहे तो भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें करण कारक चिन्ह लगा है, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है इसमें, अगर पूछा जाए तो करण कारक हो जाएगा। आगे दिया है संप्रदान कारक। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, ऐसा बोध कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग क्या है या विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए या को है, के लिए या को से क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। आगे देखते हैं उदाहरण क्या है। चाचा जी सूरभ के लिए घड़ी लाए, चाचा जी किसके लिए घड़ी लाए, सूरभ के लिए घड़ी लाए। तो यहाँ पर के लिए क्या है, आपका संप्रदान कारक है। आप जब सेंटेंस में के लिए लगा रहे, के लिए या को लगा रहे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। मालकिन ने नौकरानी को वस्त्र दिए, मालकिन ने किसको वस्त्र दिए, तो नौकरानी को वस्त्र दिए। तो यहाँ पर मालकिन क्या है, कर्ता है, नौकरानी को क्या है, संप्रदान है, को क्या है, संप्रदान है, तो नौकरानी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण वाक्यों में कर्ता द्वारा अर्थात चाचा जी और मालकिन द्वारा क्रमशः घड़ी और वस्त्र देने का भाव है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। आगे है आपका अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका प्रसर्ग से होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से।
जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से क्या हुआ, फल गिरते हैं, पेड़ से फल जो है, पेड़ से फल क्या हुआ, अलग हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर अलगाव की जहाँ भावना आए वहाँ पर मैंने क्या बताया है कि अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, छत से बिल्ली कूद गई, ये सब हमारे कैसे कारक हैं, सम अपादान कारक हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो आप क्या यहाँ पर से चिन्ह लगा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अपादान कारक है। आगे है, उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ से फल तथा गंगा का हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर अपादान कारक है। जैसे और भी यहाँ पर सेंटेंस देख लेंगे, जैसे छत से मैंने क्या कहा कि बिल्ली कूद गई, छत से बिल्ली कूद गई, बिल से चूहा, बिल से चूहा निकला, तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल से चूहा अलग हो गया, छत से बिल्ली अलग हो गई। तो यहाँ पर अलगाव की सेंटेंस में आपको अलगाव की भावना जब दिखे और से विभक्त चिन्ह दिखे तो समझ जाना कि अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने आदि के भाव में भी किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, अमिता सुनीता से सुंदर है, तुलना हो रही है यहाँ पर, बच्चा शेर से डर गया, तुलना हो रही है, मैंने माँ से केक बनाना सीखा, तुलना हो रही है, राधा कृष्णा कृष्ण से लजाती है, यहाँ पर लज्जा का भाव दिख रहा है, यहाँ पर सुंदरता का भाव दिख रहा है। अमिता सुनीता से क्या है, सुंदर है, तुलना दिख रही है, तुलना, बच्चा शेर से डर गया, यहाँ पर भय, सेंटेंस में भय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तुलना दिखाई दे रहा है। मैंने माँ से केक बनाना सीखा, मैंने माँ से केक बनाना सीखा, राधा कृष्ण से लजाती है, यहाँ पर लज्जा का भाव दिख रहा है और यहाँ पर सीखने का भाव दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, रारी, रे आदि होते हैं। अमन का भाई रमन आया है, तो यहाँ पर अमन और रमन क्या है, दोनों भाई भाई हैं, तो यहाँ पर संबंध देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर अनु की दादी गाँव में रहती है, तो अनु का संबंध किससे है, दादी से है, तो अनु और दादी क्या है, एक दूसरे से रिलेशन में है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, काकी के, रारी रे, गागी के। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में अमन और रमन का तथा अनु और दादी के संबंध का बोध हो रहा है, अतः इन्हें संबंध कारक कहेंगे। आगे अधिकरण कारक, आगे क्या है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग में तथा पर होता है, इसका परसर्ग क्या होता है, में तथा पर होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। कुर्सियां कमरे में रख दो, कुर्सियां कमरे में रख दो, यहाँ पर क्या है, अधिकरण है। इसके बाद मेज पर गिलास रखे हैं, मेज पर क्या है, गिलास आधारित है, पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। कुर्सियां कमरे में रख दो, तो में और पर क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है, में यानी कि अंदर और पर यानी कि ऊपर। ठीक है,
तो उपयुक्त वाक्यों में कमरे में तथा मेज पर शब्दों से स्थान का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर अधिकरण कारक है। विशेष क्या दिया है इसमें, अधिकरण कारक का प्रयोग परसर्ग रहित भी हो सकता है, परसर्ग रहित भी हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं, वहाँ हर जगह पूर्ण शांति थी, वहाँ हर जगह पूर्ण शांति थी, यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। वह अगले वर्ष अमेरिका जाएगा, यहाँ पर भी कोई परसर्ग चिन्ह नहीं लगा है। जैसा कि बताया गया कि आप चिन्ह से भी पता लगा सकते हैं और सेंटेंस से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर बोध क्या, विशेष में क्या दिया कि जगह का बोध हो रहा है। अधिकरण कारक का प्रयोग परसर्ग रहित भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या दिया कि स्थान का बोध हो, वो आपका क्या होता है, उससे क्या पता चलता है कि ये अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक हम कैसे पता चलाएंगे, चलेगा सेंटेंस में कि इसमें क्या हो रहा है, स्थान का बोध होना चाहिए। स्थान का अगर बोध होता है तो आपका अधिकरण कारक है। और सेंटेंस में जैसे विभक्ति चिन्ह से भी आप पता लगा सकते हैं, कहीं कहीं अगर आपको विभक्ति चिन्ह न देखने को मिले तो आप क्या करोगे, उसके लिए स्थान का पता लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध होगा, संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ हो सकता है। अरे भाई, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पर संबोधन चिन्ह लग गया है। संबोधन चिन्ह ये होता है आपका संबोधन चिन्ह। अरे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, संबोधन चिन्ह लगा हो तो आप समझ जाना कि संबोधन कारक है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। अभी कितने बच्चों को पता नहीं है कि हम ये संबोधन चिन्ह कहाँ लगाएं, तो संबोधन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे संज्ञा शब्दों के बाद लगाया जाता है। अरे भाई, भाई हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। प्रभु क्या है, संज्ञा शब्द है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे अरे लिख दिए, अरे, अब उन्हें पता नहीं है कि हम संबोधन चिन्ह कहाँ लगाएं, तो अरे पे ही संबोधन चिन्ह लगा देते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि संबोधन चिन्ह हमेशा क्या होता है, संज्ञा के बाद ही लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या होता है। करण और अपादान दोनों कारकों में परसर्ग चिन्ह क्या होता है, उपयोग किया जाता है। से परसर्ग चिन्ह क्या होता है, उपयोग किया जाता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है, तथा जहाँ पर पृथक यानी कि अलगाव होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। राधा ने रंगों से चित्र बनाया, राधा ने रंगों से क्या बनाया, चित्र बनाया। साधन के अर्थ में करण कारक, साधन के अर्थ में लगाया तो क्या हो जाएगा, करण कारक। रजत दिल्ली से मुंबई गया, तो अलग होने के भाव में जहाँ हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। समझ में आए, आगे देख लेते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को परसर का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में कर्ता द्वारा देने का कार्य होता है, देने का कार्य होता है। उदाहरण, जैसे माँ ने बच्चों को पढ़ाया, माँ ने बच्चों को क्या दिया, विद्या दी। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा यानी कि कर्म कारक है। दादी ने भिखारी को भोजन दिया, देने का भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, संप्रदान कारक। इसमें बताया गया है कि कर्म कारक में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में कर्ता द्वारा देने का कार्य किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।